नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। बिहार विधानसभा में पुलिस बल ने महिला विधायकों के साथ जैसा बर्ताव किया उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। महिलाओं के साथ सदन में की गई बदसलूकी से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने विपक्ष की महिला विधायकों के साथ हुई बदसलूकी का CM नीतीश कुमार पर जिम्मेदार ठहराया है और इस बात को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सदन में महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है और नीतीश कुमार देखते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर इसे रोकने की कोशिश नहीं की। पूर्व CM राबड़ी देवी ने ट्वीट कर लिखा कि विधानसभा में महिला विधायकों का चीरहरण होता रहा है, लेकिन इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसके साथ भी उन्होंने कई अन्य बातें कही। वहीं इससे पहले उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में लिखा था कि पूर्व मंत्री हमारी विधायक महिला विधायक अनिता देवी जी को निर्जर नीतीश कैसे घसीटवा रहे हैं, इसी क्रम में साड़ी भी खुल सकती थी। तुमने आज ये जो चिंगारियां भड़काई हैं, कल यही चिंगारियां तुम्हारे काले काल के काले सुशासन को जाल कर भस्म कर देंगी। बिहार हिसाब करेगा और जल्द ही करेगा। गौरतलब है कि कल बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पेश किया जाना था, लेकिन विपक्ष के विधायक इस विधेयक को काले कानून बताते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष ने हर मर्यादाओं को भूलकर विरोध किया। सदन में विपक्ष ने आसान का घेराव किया, तोड़फोड़ की, विधेयक की प्रति छीनने की कोशिश की, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के बाहर धरना किया। इसके अतिरिक्त पुलिस बल को विधानसभा बुलाया गया, जिन्होंने विपक्ष के विधायकों को बलपूर्वक बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस बल ने महिला विधायकों के साथ बदसलूकी की, जिससे राबड़ी देवी समेत पूरी पार्टी खासा नाराज है और इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ।